देख सकते हो चार मीनार के एकदम करीब हम है अभी फिलहाल। देख कितना बेहतरीन नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको खैर आफियत से रखे। दोस्तों आज हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं भाइयों। आज 23 तारीख है, दिसंबर का महीना 2022 है। तो आज हम मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं जुमा की। तो जुमा का दिन था तो सोचा कि हम मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। तो हमारे साथ हमारे भांजे सद्दाम है और हमारा भतीजा फिरोज का नाम है और चारसी भैया करके बुलाते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, आपको मंजर बताएंगे थोड़ा। भाइयों ये देख सकते हैं चार मीनार के पास जाने वाला रास्ता है, अभी वहाँ पर हम जा रहे हैं। पहले चार मीनार दिखाएंगे, वहाँ से आगे हम मक्का मस्जिद भी दिखाएंगे। कौन सा पंजे शाह बोल के यहाँ पे है कुछ, वहाँ पे अभी है हम अरमान होटल। ये अरमान होटल है, फेमस होटल है एरिया, ये एरिया का फेमस होटल है। अगर चार मीनार आएंगे घूमने के लिए तो अरमान होटल में ज़रूर खाना, बहुत बेहतरीन खाना होता है यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हो चांदी की अंगूठियाँ और बहुत सारे यहाँ पे जो सुन्ना रखने के डब्बे वगैरह होलसेल में यहाँ पे मिलते हैं। ये देख सकते हैं पूरा चांदी को धो के, और ये देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो भाई, अभी हम चार मीनार जाने से पहले यहाँ पे पतंग की दुकान वगैरह लगे हुए हैं। पूरा पतंग की दुकान, पतंग का एक बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे संक्रांति में। बड़े पैमाने में यहाँ पे दुकान, पतंग की दुकान लगते हैं। अभी फ़िलहाल सोना और चांदी धोकर देने वाले दुकान ये आप देख सकते हैं, पॉलिश करने वाले यहाँ पर देख सकते हो। पूरा सोना और चांदी को धोकर देने की सारी दुकानें यहाँ पे है। और यहाँ पे एक हाउस है, हाउस को और गुलजार हाउस बोलते हैं इसको। इसके बाजू में ब्लैक गोल्ड था ना, ब्लैक गोल्ड की चेन थी, सोने की चेन इसके साइड में थी, इसको निकाल कर लेकर गए। अभी हम वो नज़ारा दिखाने जा रहे हैं जो आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अन करीब आप देखेंगे तो चार मीनार का नज़ारा। माशाल्लाह चार मीनार के एकदम करीब हम पहुंच चुके हैं। देख सकते हो भाई चार मीनार के सामने बाजू में कितने बेहतरीन गुलदस्ते की दुकान और ब्याग वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अनलेबल मिल सकती है। यहाँ पे आपको ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। अभी हम अनकरीब मक्का मस्जिद में जाने का टाइम हो चुका है, नमाज का टाइम हो चुका है। ये देख सकते हो भाई चार मीनार के एकदम करीब हम आ चुके हैं। इधर से धूप सूरज सामने रहने की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, हम उस साइड से भी दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। ये देख सकते हो भाई कुरान के दुकान है, कुरान मुसल्ला जुजदान हर चीज़ यहाँ पे, बुरके, बहुत बड़ा मार्केट लगता है।
चूड़ियों का मार्केट, जैक का मार्केट, चप्पल का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। शाम के वक्त में आएंगे तो आपको चलने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। मैं देख सकते हो चार मीनार के एकदम करीब हम है अभी फिलहाल, देख सकते हो भाइयों यहाँ पर मिलिट्री के लोग हमें हुए हैं। भाइयों अभी हम मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले थे तो देख सकते हो पूरा मजमा बाहर निकल रहा है, हमें आने में थोड़ा टाइम हो गया, पैदल आ रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम हो गया, तो पूरा मजमा यहाँ से निकल रहा है देख सकते हो। अभी मक्का मस्जिद के एकदम करीब हम चुके हैं, यहाँ से चार मीनार आप देख सकते हो कितना बेहतरीन नज़र आता है। यहाँ पर देख सकते हो मक्का मस्जिद के सामने किस तरह से लोग ठहरे हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ना बोल के सोचे थे थोड़े में मिस हो गया। यहाँ पर देख सकते हो पुलिस लोग यहाँ पर रुके हैं, ऐसे भाइयों देख सकते हो चार मीनार किस तरह से नजर आ रहा है यहाँ पर। ये मक्का मस्जिद के सामने करीब से हम दिखा रहे हैं हमको आपको। भाइयों यहाँ पे हाउस है, हाउस आप देख सकते हो, हाउस खुतबा चल रहा है यहाँ पे और शायद दूसरा खुतबा होगा अभी चल रहा है, वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ेंगे। भाइयों ये देख सकते हैं अभी नमाज हो चुकी है, अभी मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं लोग, वापस निकल रहे हैं, यहाँ पे कुछ सलाम दुरूद वगैरह पढ़ा जा रहा है। देख सकते हो मक्का मस्जिद और चार मीनार का मंजर आपको दिखा रहे हैं, कुछ यहाँ पे दुरूद पढ़ा जा रहा है, सलाम। Yeah.
अंदर जा रहे हैं भाई। ये झूमर है, झूमर मस्जिद के अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये बड़े बड़े जो बंधा हुआ है, पैक किया हुआ है, सिर्फ रमज़ान के महीने में इसको निकाला जाता है। ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं वो झूमर है, बहुत बड़े बड़े झूमर है, ये रमज़ान के महीने में ही निकलते हैं, खोला जाता है इसको। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ईद के दिन यहाँ, जुमा के दिन यहाँ पर ईद का मंजर नज़र आता है, जैसे ईदगाह में मजमा होता है उस तरह से यहाँ पर लोग जमा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन नज़ारा लगता है यहाँ का जुमा के दिन। यहाँ पे दुआएं पढ़ी जा रही हैं, तस्बीह पढ़ी जा रही हैं, देख सकते हैं। नमाज के बाद में यहाँ पर तस्बीह का मामूल होता है, हर आदमी यहाँ पर बैठकर तस्बीह पढ़ता है। देख सकते हो भाई, झूमर को पैक किया गया है, हमने देखा था इसको रमज़ान में खुला हुआ इससे पहले। ये झूमर है, पूरा पैक है। और लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कोई हजरत है यहाँ पे तो उनकी मुलाकात के लिए लोग रुके हैं। यहाँ पर भी तस्बीह पढ़ा जा रहा है, देख सकते हो कसीर तादाद में लोग बैठते हैं, एक जमात बैठती है और तस्बीह पढ़ा जाता है। जितना भी पढ़ते हैं वो शेर में किया जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, हर एक अपने शेख की, जो भी यहाँ पर शेख आते हैं उनसे मुसाफा करने के लिए लोग रुके रहते हैं और उनसे मुसाफा और मुआनका करके चले जाते हैं। ये था मक्का मस्जिद के अंदर का और बाहर का, और जुमा के दिन का यहाँ कैसा लगता है मंजर आपको हमने दिखा दिया। ख़ास करके आपके लिए हमने यहाँ पर आकर आपको वीडियो बनाकर दिखाया है। जुमा के दिन हमें तो टाइम भी नहीं था, हमने ख़ास करके हमारे सब्सक्राइबर को दिखाने के लिए हमने आया है। तो यहाँ से चार मीनार आप देख सकते हो, चार मीनार आपको नज़र आ रहा होगा, दूर होता है आपको दिखाएंगे सामने जाकर। देख सकते हो भाई, चार मीनार हमने किस तरह से दिखा रहे हैं, एकदम इमारतें होने की वजह से यहाँ पर वो बहुत ऊपर का हिस्सा उतना ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से हमने वीडियो बनाया है। ये मक्का मस्जिद की मीनार है, मक्का मस्जिद का।
देख सकते हैं भाई हाउस है, हाउस किस तरह से हाउस है, कबूतर वगैरह किस तरह से बैठे हैं हाउस के पानी के पास। देख सकते हो चार मीनार किस तरह से दिखता है यहाँ से। सबसे बेहतरीन यहीं से चार मीनार दिखता है। ये चार मीनार है भाइयों। चार मीनार किस तरह से दिखते हैं देख सकते भाइयों। मक्का मस्जिद में तो नमाज नहीं मिली हमें, अभी हम जाएंगे यहाँ पर एक मस्जिद, जामिया मस्जिद ना हो, सबसे लास्ट नमाज होती है 2:45 से 3 बजे होती है नमाज वहाँ पे। भाइयों अगर आपकी नमाज चुक जाए जुमा की, आप नमाज पढ़ना चाहते हो तो कहाँ पर नमाज पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा और इंतज़ार करें। भाइयों ये चार मीनार के बाजू में एक मस्जिद है, बाजू में ही मस्जिद है, जामिया मस्जिद कुछ है नाम उसका, आपको दिखाएंगे। अभी अजान हो रही है वहाँ पर, देख सकते हो ओमे गुसल सकलैन लिखा हुआ है। अंदर जाने के लिए यहाँ पे रास्ता है, आता हूँ नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ना है। भैया अभी बज रहे हैं 2:05 हो गए, तो यहाँ पे अभी अजान हो गई। अगर आपको वहाँ पे मक्का मस्जिद में नमाज छूट जाए तो इस मस्जिद में नमाज पढ़ लेना, ये चार मीनार की एकदम बाजू में ही है, करीब है, ठीक है। चार मीनार के बाजू में यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शब खैर। ये वो हाउस है, इसके साइड में इसको गुलजार हाउस बोला जाता है, बोलते हैं। इसके आजू बाजू से एक ब्लैक गोल्ड बोल के एक चेन लगी हुई थी। अगर आप चार मीनार को आएंगे तो इनका जूस ज़रूर पीना, नींबू शरबत। और क्या क्या बनाते हैं आप? मीठा है, नमक है, मसाला है। जरा जोर से बोलो तो हमारे साथ। नमक मसाला है, मीठा नमक मसाला, नींबू पानी इनका यहाँ पे फेमस है। सोडे की तरह ये देख सकते हैं, हैदराबादी है, हैदराबादी। क्या नाम है तेरा? फैयाज। फैयाज,